नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ए के जैन। स्वागत है आपका हेल्थ वेल्थ वास्तु डॉट कॉम में। आज हम जानेंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में। हम बीमारियों से ठीक जो होते हैं उसके लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होना जरूरी है। आज जैसे कोरोना वायरस जैसे वायरस आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारी बीमारियां आ रही है, तो वो जो बीमारी हमको नहीं लगे शरीर को, या बीमारी के कीटाणु हमारे शरीर में किसी कारण से आ गए हैं, तो उनको कैसे खत्म करेंगे, वो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी। जो अच्छे कीटाणु हैं वो उन कीटाणु को, बीमारियों के कीटाणु को मार के हमें स्वस्थ रखेंगे। तो उसके लिए क्या करें कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए, उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो जानवरों की रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी सिस्टम इंसानों की रोग प्रतिरोधक क्षमता से बेहतर होती है। इसका कारण क्या है कि जानवर जो है ज्यादा समय धूप में बिताता है। यदि हम भी थोड़ा समय धूप में बिताएंगे तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बढ़ जाएगी। और बहुत सारी जानकारी है जो हम आगे हम देखते हैं। देखिए, दूसरी चीज ये है कि जानवर जो है कच्ची चीजें खाता है, पकाकर नहीं खाता। तेल की भुनी हुई चीजें आप डाल दीजिए किसी गाय को या किसी जानवर को डालिए, देखिए वो नहीं खाएगा। यानी तली भुनी चीजें ये शरीर को नुकसान करती है, इनको जितना हो सके कम से कम खाना चाहिए और कच्ची चीजों को लेना चाहिए। जैसे खाने में सलाद लेने चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए। यदि हम तेल की भुनी हुई चीजें ज्यादा खाते हैं, डेड फूड्स जो होते हैं जैसे ब्रेड वगैरह है, इस तरह की चीजें हम ज्यादा खाएंगे तो शरीर को हमारे नुकसान पहुंचाएगा। समोसा खाना है, कचौरी खाना है, तली भुनी पकौड़ी खाना है, ये चीजें हमारे शरीर को नुकसान करती है। तो कभी भी तली भुनी चीजों को कम खाकर नेचुरल चीजों पर आए, लाइव फूड बोलते हैं इसे, ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो चीज है, हरी सब्जियों को ज्यादा से ज्यादा लेना। देखिए, जानवर गाय वगैरह का सबसे आहार क्या है, मेन मुख्य आहार क्या है, हरा चारा वगैरह वो खाती है। तो यदि हम भी हरा भोजन ज्यादा खाएंगे तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देगा। हम क्या खा सकते हैं हरा, पालक है, मटर है, ये चीजें हमें खानी चाहिए। उसके अलावा नीम गिलोय, ये भी ऐसी औषधियां हैं जो हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत हाई लेवल तक बढ़ा देती है। देखिए, बाबा रामदेव जी ने तो इसको रामबाण औषधि कहा हुआ है। गिलोय, नीम गिलोय जो है, गिलोय को उसमें स्पेशली जो है रामबाण कहा हुआ है। तुलसी का हमारे शास्त्रों में कितना उल्लेख है, तो तुलसी की ड्रॉप सवेरे सवेरे पानी जो पीते हैं आप, थोड़ा सा गर्म पानी जो पीते हैं हम सवेरे, उस पानी में 2-3 बूंदे तुलसी की डाल दें। तुलसी ड्रॉप आती है मार्केट में, मिलती है, उसकी 2-3 बूंदे डाल दी है तो वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत अधिक लेवल पर बढ़ा देगी। नेक्स्ट जो चीज है, यदि आपको अंदर से स्ट्रांग होना है तो शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा जानी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, गहरी गहरी सांस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसको सांस को थोड़ी देर रोकना है फिर छोड़ना है, ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। भस्त्रिका भी कर सकते हैं। भस्त्रिका क्या करना है, गहरी सांस लेना है और छोड़ना है, भस्त्रिका भी कर सकते हैं। यह हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देगी। उसके अलावा कपाल भाती में एक नई चीज जोड़ी है। देखिए, आप जो है कपाल भाती की बजाय क्या कर सकते हैं, खुद की आवाज कीजिए। बंदर कैसे करता, आवाज कैसे करता, वो आवाज निकालिए। ये एक्सरसाइज बहुत ही पावरफुल है, इससे भी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आपका। जब ये आवाज निकालते हैं तो पेट पूरा अंदर जाता है और वही कपाल भाती वाला काम होता है और ज्यादा ताकत से होता है, लेकिन ये एनर्जी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। जिनको पेट संबंधित कोई दिक्कत है या जिनको पाइल से, उनको ये नहीं करनी चाहिए क्योंकि शरीर में गर्मी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो जो ज्यादा एज वाले हैं उनको भी हुक की आवाज नहीं करना है, कपाल भाती भस्त्रिका तो कर ही सकते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा बीमार व्यक्ति कौन होता है, जो कमजोर होता है, जो बुजुर्ग होते हैं या बच्चों का हमें स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कोरोना वायरस अभी आ रखा है, इस समय में सबसे ज्यादा किनका ध्यान रखने की जरूरत है हमें, जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं या जो घर में बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, उनका हमें विशेष केयर करना है क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है। लेकिन साथ ही कोई जवान जो एज के हैं, 18 से 40, 45, 50 तक के जो एज के हैं, वो लोग भी बीमार हो रहे हैं। उसका कारण क्या है कि
उनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, तो हमें हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है ये छोटी मोटी जो बीमारी आने वाली है वो कभी हो ही नहीं और हम एकदम स्वस्थ रहें, एनर्जेटिक रहें। नेक्स्ट चीज जो है खाना चबा चबा कर खाएं। देखिए ये जो चीजें मैं कुछ बता रहा हूँ मैंने मेरे ऊपर शोध किया है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो बता रहा हूँ, आपको सूट करता है अच्छा लगता है तो करके देखिए, कोई किसी चीज की ये नहीं है कि हम बता रहे हैं तो आप एक बार करके देखिए, ऑथेंटिक लगे चीज तो करना है आगे, नहीं तो छोड़ देना है। किसी चीज के लिए हम बाध्य नहीं, ना आप बाध्य है ना मैं बाध्य हूं, कोई भी बाध्य नहीं है। आपको सूट करता है तो करना है और नहीं तो छोड़ देना है उस चीज को। किसी चीज को अपनाने से कहीं कोई नुकसान नहीं है। आपने नीम गिलोय खाया ज्यादा समय तक, देखो किसी चीज की अति हमेशा बुरी होती है, ये नियम हमेशा ध्यान रखिए। किसी चीज की अति नहीं होने देनी है कि नीम गिलोय है तो मैं बहुत ज्यादा खा लूं, ऐसा करने से कब्ज भी हो जाता है। तो ये चीजें हमें ध्यान होने चाहिए, अति नहीं होने देनी किसी भी चीज की, हमारे सेहत का ध्यान रखना है, लेकिन इतना भी उसमें नहीं खो जाए कि आप दूसरे काम सारे छोड़ दें, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक और जो चीज है, आपको 10 से 15 मिनट व्यायाम शरीर का करना ही चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा, अंदर से आप स्ट्रांग होंगे। ये भी चीज है कि अंदर से स्ट्रांग होने के लिए 10 से 15 मिनट का हमें व्यायाम करना ही चाहिए, हल्का फुल्का जो भी व्यायाम कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग का स्पेशली आपको करना चाहिए। इसमें सबसे जो पावरफुल जो मानते हैं वो है सूर्यासन, उसमें स्ट्रेचिंग भी हो जाता है, योगा थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाता है, प्राणायाम वगैरह सारा हो जाता है। तो सूर्य नमस्कार 4 से 5 राउंड आप कर लेते हैं तो 10 से 15 मिनट में आराम से हो जाएगा, तो आपको करना ही चाहिए। 10 से 15 मिनट में आपकी सारी लगभग एक्सरसाइजेज उसमें हो जाती है, तो सूर्य नमस्कार को आप भी कर सकते हैं, रेगुलर करना ही चाहिए। उसके अलावा जब आप सवेरे उठते हैं तो जो आपके मुंह में थूक आता है, ऐसा कहते हैं कई विद्वानों ने ऐसा कहा हुआ है कि उस थूक को आप निगल जाइए, आपको सूट करता है तो उसको आप सवेरे निकल जाइए, गर्म पानी ऊपर से पी लीजिए, उसके बाद फ्रेश होने चाहिए। ऐसा मैंने करके देखा है, मुझे सूट हुआ है, मैं कर रहा हूं, तो आपको भी सूट करता है ऐसा तो करके देखिए। उस सूंक को लार का महत्व समझना है, उस लार को वेस्ट नहीं करना है, थूक नहीं देना है। खुला करके कई लोग थूक देते हैं, क्यों तो बदबूदार बेकार चीज है, ऐसा नहीं है। लार का बड़ा महत्व है, लार जब कोई किसी जानवर के लग जाती है तो वो क्या करता है, उस चीज को जगह को चाट लेता है और वो ठीक हो जाता है। कहीं छोटी मोटी चीज लग जाए, आप भी एक बार करके देखिए, छोटा मोटा लग जाता है हमने, उस पर लार लगा दीजिए, देखिए क्या होता है, जल्दी ठीक होने लगता है। तो आप भी ऐसा करके देख सकते हैं, लार को वेस्ट नहीं होने देना है। कई लोग क्या करते हैं, गुटखा खाते हैं, और गुटखा खाते हैं हर जगह गंदगी फैलाते रहते हैं, थूकते रहते हैं, और उनका लार का उनका इम्पोर्टेंस ही नहीं रहा है, इस कारण से वो जल्दी बीमार होने लगते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, हमारी लार को संभाल के रखना है। देखिए पशु की लार, पशु में लार बहुत ज्यादा बनती है, ये पशुओं की विशेषता है, और पशुओं का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत हमारे से कई गुना ज्यादा है। पानी वो कहीं का भी पी लेते हैं, जो मिले कुछ खा लेते हैं, कुछ साफ करके खाते हो या किसी चीज को धो के खाते हैं या हाथ धो के फिर खाना खाने खाते होंगे, कहीं चल रहा है बंदर, कहीं कूद रहा है, कहीं क्या कर रहा है, और फिर जो जहां मिला वो चीज वो खा लेता है। हाथ धो के खाते हैं क्या जानवर? पशु को जो मिला है वो खा लेगा, जहां का चारा मिला है खा लेगा, उसमें मिट्टी भी जाएगी, कहीं गंदगी भी जाएगी, घास खा लेता है, उसमें कीड़े मकोड़े भी जाएंगे, दूसरे कोई गंदगी भी जाएगी, लेकिन उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा हम कहीं का पानी पी लें देखे नाले का, हम क्या हो गए, दूसरे दिन बीमार हो जाएंगे। तो हमें हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करना है, नेचर के रूल्स को हमें काम में लेना है, लार को वेस्ट नहीं होने देना है, लार ज्यादा से ज्यादा बने ऐसा हमें सोचना चाहिए। इसलिए जब खाना खाएं तो अच्छे से चबा के खाएं। देखिए पशु क्या करता है, दिन में जब भोजन करता है, खाना खाता है, तो क्या करता है, फास्ट खा लेता है, लेकिन रात को वो क्या करता है, अच्छा इसमें एक चीज समझिए, वो दिन में खाना खाता है, उसे जल्दी खाना होता है, क्योंकि उसे वो भोजन कम मिलने वाला है, उसके कंपटीटर दूसरे भी हैं जो आ जाएंगे, उसके लिए उसकी प्रकृति ऐसी बन गई वो जल्दी खा लेता है। लेकिन उसका एक गुण ये है कि वो सूर्यास्त के बाद में नहीं खाता है, हमें भी ये ध्यान होना चाहिए सूर्यास्त के बाद में हम भोजन ना करें, तो हम स्वस्थ भी रहेंगे और इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरी चीज, जानवर फिर बाद में रात को क्या करता है, उसका जुगाली करता है, यानी वो भोजन वापस मुंह में लाता है और उसका जुगाली करता है, उसको वापस चबाता है और निगलता है, फिर वापस
उसको निगलता है, दूसरा भोजन वापस आता है और उसको चबाता है, वापस खाता है। ये जुगाली का सिस्टम हमारे इंसानों में डेवलप नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम जब खाना खा रहे हैं उसी समय उसको च्युइंग करके खाएं, अच्छे से चबाकर खाएं। देखिए एक चीज बात समझिएगा, जो हम खाते हैं स्वादिष्ट भोजन या जो भी खा रहे हैं वो स्वाद कहां तक है? स्वाद हमारी जीभ तक ही है। जो स्वाद आएगा जीभ तक ही आएगा, जीभ से जब अंदर उतर जाएगा उसके बाद कोई स्वाद का मालूम नहीं चलता है। आप चाहे लड्डू खाइए, चाहे बादाम खाइए, काजू खाइए, या रोटी खाइए, या कोई कड़वा करेला भी खाइए, जो स्वाद आ रहा है जीभ तक ही आ रहा है, जीभ से अंदर उतरने के बाद में वो एक जैसा है हमारे लिए। तो स्वाद जो है खाली जीभ तक का है, तो उसके लिए ऐसी तली भुनी चीजें ऐसी नहीं कही है जीभ के स्वाद के लिए। अब जो भी खा रहे हैं उसका आनंद लीजिए, यानी उसको ज्यादा से ज्यादा जीभ पर रखिए। और वो कब रहेगा? जब ज्यादा से ज्यादा आप जीभ पर रख रहे हैं, मुंह में रख रहे हैं, उस समय चबाते भी रहिए और फिर उसे निकलिए, तो लार भी अच्छे से मिल जाएगी और अच्छे से चबने से पाचन जल्दी हो जाएगा, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा हमारा। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए और थोड़ी देर धूप में भी बैठना चाहिए हमें। जब भी पानी पिए आप बैठकर पिए, हो सके तो हमेशा छानकर पानी पिए। तो जैन शास्त्रों में तो पानी के लिए कहा हुआ है, पानी जो है जैनी की पहचान भी यही बात बताई गई है कि जो पानी छान कर पीता है। तो पानी छना हुआ रोज कम से कम हमें हर समय तो छान कर नहीं पी सकते, तो कम से कम सवेरे तो छान कर ही रख देना चाहिए, गड़ा भरना चाहिए और उसको पानी को पीना चाहिए। ऐसा करने से भी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा। और पानी जब भी पीते हैं हमेशा कुर्सी पर बैठकर ही पीना चाहिए, खड़े खड़े पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए और न ही पानी को कभी भी ऊपर से पीना चाहिए। कई लोग जो है ऊपर से पानी पीने की आदि होते हैं, बोले झूठा गिलास करके कौन पिएगा, हम कोई बच्चे थोड़ी है। बच्चे की बात नहीं है, यदि हम ऊपर से पानी पीते हैं तो गैस की प्रॉब्लम रहना शुरू हो जाएगी, और जब हम बैठकर पानी पिएंगे और झूठा गिलास करके पिएंगे, मुंह के अड़ा के टच करके पानी को पिएंगे, हमें गैस की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। पानी रे पानी रंग कैसा, जिसने मिला है तू वैसा, यानी पानी में बहुत शक्ति है, पानी का अपना गुणधर्म है, उसको जैसी हम प्रार्थना करेंगे वैसा ही हमें फल देने लगेगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। देखिए पानी जब पीते हैं तब उत्तम स्वास्थ्य की कल्पना करके पीजिए। उसके अलावा पानी जो पीते हैं जिस बर्तन में पी रहे हैं उसमें आप अमृत जल का स्टिकर लगा दीजिए। देखिए हमने तो हमारी जो यहाँ ऑफिस में जो है या घर पे जो है उन बोतलों पर या उन पे या जहां पानी रखा रहता है वहां पे हमने स्टिकर लगा रखा है अमृत जल करके, तो वो अमृत ही बन जाएगा। तो आप जैसा उससे प्रार्थना करेंगे वो वैसा गुणधर्म ले लेगा और वैसा ही हमें फल देगा। तो पानी को अमृत मानकर पियेंगे तो अमृत का काम करेगा, यदि आप उसे गंदी धारणा से पियेंगे तो आप में जहर बना देगा। तो हमेशा ध्यान रखिए हमारे इम्यूनिटी सिस्टम यदि स्ट्रांग करना है तो हमें अमृत जल मानकर पीना है, प्रार्थना करनी है मेरा शरीर उत्तम हो रहा है ऐसा सोच के ही हमें जल पीना चाहिए। और ऑक्सीजन शरीर में ज्यादा ज्यादा जाए इसके लिए गहरी सांस की प्रैक्टिस करनी है। हमारी दिनचर्या ही ऐसी हो गई है, हमें कम परिश्रम करना पड़ता है। पहले लोग पानी भी लेने जाते थे तो दूर जाना पड़ता था, छोटे से काम के लिए पैदल चलते थे, आज तो थोड़ा सा घर से 100 मीटर भी जाना है तो हम गाड़ी लेकर चले जाएंगे, ऑफिस जाना है तो कार में जाएंगे, साइकिल भी यूज नहीं करते हम, तो परिश्रम की कमी हो गई है, यानी हम फिजिकली कोई वर्क नहीं कर रहे तो हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, और शरीर कमजोर होने से हमारा शरीर अंदर से भी इम्यूनिटी सिस्टम भी कमजोर हो रहा है। तो उसे स्ट्रोंग करने के लिए हमें व्यायाम करना ही चाहिए, 15 से 20 मिनट तो कम से कम करना ही चाहिए, और प्राणायाम करना चाहिए, हमें ध्यान भी करना चाहिए। जो व्यक्ति आधा घंटा प्राणायाम और ध्यान करता है वो कभी बीमार नहीं होता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है। हमें प्राणायाम करना ही चाहिए, उससे मन और बुद्धि भी स्थिर रहती है, हमारा शरीर अंदर से स्ट्रांग बनता है। तो ध्यान रखिए अपना शरीर अंदर से स्ट्रांग बनाना है तो इन नियमों को ध्यान में रखिए, इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग होगा और हमारा मन भी अंदर से दृढ़ होगा, हम स्ट्रांग बनेंगे। धन्यवाद।